नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी शुरू होता है धरती के नीचे बसे एक जादुई दुनिया से। वहाँ पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था और बहुत सारे छोटे छोटे राक्षस रहते थे। बड़ा राक्षस छोटे राक्षसों को डरा धमका कर रखता था। वह रोज उनसे काम करवाता। बड़े राक्षस के पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं, इसीलिए सभी छोटे राक्षस उससे डरते थे। रोज उसके लिए नया नया शिकार पकड़ कर लाते हैं। इस तरह काफ़ी समय बीत गया और धीरे धीरे शिकार कम होने लगा। एक दिन शिकार के तलाश में वह काफ़ी दूर चले गए। वहाँ पर उनको एक जादुई दरवाज़ा दिखा। वह दरवाजे के अंदर चले गए। फिर वह दरवाजे से होकर धरती के ऊपर वाले दुनिया पर आ गए। वहां पर एक सुंदर सा शांतिपुर नाम का गांव था। उस गांव में लोग काफी खुशी से रहते थे। लेकिन राक्षस के आने की वजह से चारों ओर भगदड़ मच गया। लोग डर कर भागने लगे। राक्षस वहां पर आकर जानवर के रखे हुए घेरे को तोड़ने लगे। एक एक करके उन्होंने सारे घेरे को तोड़ दिया और फिर वह गांव से बहुत सारे जानवरों को लेकर जाने लगे, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और सुअर को वो लेकर जाने लगे हैं। वह उन जानवरों को जादुई दरवाजे से लेकर धरती के नीचे वाले दुनिया पर लेकर चले गए हैं। नीचे जादुई दुनिया में इतने सारे जानवरों को देखकर राक्षस बहुत खुश हुआ। उसने सारे जानवरों को अपने पास रख लिया और अगले दिन फिर वह अपना आकार छोटा करके उस जादुई दरवाजे से होकर बाहरी दुनिया में आ जाता है। उसको देखते ही सारे गांव वाले भागने लगते हैं और वह बड़ा राक्षस वहां पर आकर चारों ओर तबाही मचाने लगता है, जगह जगह आग लगा देता है। कुछ देर बाद जब उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं तो वह सारे जानवरों को लेकर जादुई दुनिया की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वह सारे जानवरों को धरती के नीचे वाले जादुई दुनिया में लेकर जाता है और अपनी शक्तियां फिर से जादुई पत्थरों से बढ़ा लेता है और सभी जानवरों को बंदी बना लेता है। दोस्तों, इन राक्षस ने हमारे सारे जानवर उठा ले गए। हमको कुछ करना चाहिए। ठीक है, जिस तरफ से राक्षस आए थे हम उधर से चलते हैं और देखते हैं वो कहां से आए थे। फिर वह जिस तरफ से राक्षस आए थे वहां जाते हैं और खोजबीन करने लगते हैं। तभी उनको एक बकरी जादुई पेड़ के अंदर जाते हुए दिखती है। फिर वह भी इस जादुई पेड़ के अंदर जाते हैं और धीरे धीरे धरती के नीचे जादुई दुनिया में चले आते हैं।
वह यहाँ आकर चारों ओर देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त को एक चमकता हुआ पत्थर दिखता है। वह उसके पास जाता है और उठा के देखने लगता है। तभी अचानक से कुछ होता है और उसके हाथों में शक्तियां आ जाती हैं। दोस्तों, ये जादुई पत्थर है। फिर वह यह पत्थर अपने दोस्तों को देता है और उनके पास भी बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। फिर वह अपने जानवरों के तलाश में चारों ओर देखने लगते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर उनके जानवर थे। वहां पर राक्षसों को देखकर वह तैयार हो जाते हैं और लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक वह लड़ते रहते हैं। दोनों तरफ से पूरी शक्तियां इस्तेमाल कर देते हैं। इस तरह काफी वक्त बीत जाता है। फिर उनमें से एक दोस्त चुपके से जाकर उन जादुई पत्थरों को नष्ट कर देता है। जादुई पत्थरों के नष्ट होते ही कुछ देर बाद राक्षसों की शक्तियां कम होने लगती हैं और धीरे धीरे उनकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। वह बड़ा राक्षस आकार में छोटा हो जाता है और शक्तियां काम नहीं करती हैं। फिर वह तीनों दोस्त अपने सारे जानवरों को उस जादुई दरवाजे से ऊपरी दुनिया पर लेकर चले आते हैं। फिर उसके बाद वह उस दरवाजे में आग लगा देते हैं और वह दरवाजा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यह कहानी है बादलपुर नाम के गांव की। उस गांव में एक मोहनलाल नाम का लड़का रहता था। एक दिन वह लकड़ियां तोड़ने जंगल की ओर गया। जंगल में जाकर उसने देखा कि एक गाय पत्थर के बीच फंसी हुई है। वह गाय के पास गया और पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद पत्थर किसी तरह हटा। पत्थर हटाने के बाद गाय आज़ाद हो गई। गाय को आज़ाद देखकर मोहनलाल को बहुत खुशी हुई। फिर मोहनलाल जब लकड़ियां तोड़कर घर जा रहा था, गाय भी उसके पीछे पीछे उसकी तरफ चलने लगी। गाय चलते चलते उसके गांव तक पहुंच गई और उसके घर तक आ गई। गाय को अपने घर के पास पाकर मोहनलाल उस गाय की सेवा करने लगता है, उसको खूब घास खिलाता है। फिर जब वो रात को सो जाता है, तब यह गाय सोने में बदल जाती है और सोने के गोबर करती है। जब मोहनलाल सुबह उठता है तो वह देखता है कि वहाँ पर कुछ सोने के गोबर पड़े हुए हैं। वह सोने के गोबर के पास जाता है। अरे ये क्या, यह तो सोने का लगता है। किस्मत खुल गई, मज़ा आ गया। फिर वह सोने का गोबर बेचकर काफ़ी पैसा बना लेता है और घर भी अच्छा खासा बना लेता है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अरे ये क्या, इसने इतना अच्छा घर कैसे बनवा लिया। उसी गांव में मोहनलाल के पड़ोस में एक रोहित नाम का लड़का रहता था। उसके मन में लालच आ गया और वह गाय को चुराने का प्लान बना लिया। एक दिन वह रात को चुपके चुपके मोहनलाल की घर की ओर बढ़ा। अब ये गाय मेरी हो गई, इसके गोबर बेच बेच कर मैं बहुत सारे पैसे बनाऊंगा। चल चल चल, जल्दी चल, जल्दी चल। फिर किसी तरह वह चुपके से गाय को अपने घर लेकर आ गया। फिर गाय को पास में ही बांध कर सोने चला गया और मन ही मन सोचने लगा, सुबह मज़ा आएगा, सोना ही सोना होगा। लेकिन जब वह सुबह उठा तो उसने देखा उसके घर में चारों ओर गोबर ही गोबर थे और गाय भी वहाँ पर नहीं थी। वह परेशान हो गया। गाय गोबर कर वापस मोहनलाल के घर आ गई थी।